लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जी हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों भाई, एक बुरी खबर है, हिंदुस्तान कारगिल की जंग जीत गया। नहीं, हम इंडिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन मगरूर हिंदुस्तानियों के खिलाफ हमारा जिहाद जारी रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज तक हमने कई बार हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खाई है, और वो इसलिए खाई है क्योंकि हमने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब हम आमने सामने की लड़ाई में हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते। हमें कोई नया रास्ता इख्तियार करना होगा। हमने अब तक हिंदुस्तान के जिस्म पर वार किया है, लेकिन अब हम उसके दिल उसके दिमाग पर वार करेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं उनका भेजा निकाल लेंगे, जो लोग हिंदुस्तान के लिए सपने देखते हैं उनकी आंखें निकाल लेंगे, जो लोग हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं उनकी जबान काट लेंगे। मैं आज ऐलान करता हूं, बहुत जल्द इस दुनिया के नक्शे से हम हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, इंशाल्लाह।
वसीम खान इज वांटेड इन 48 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इंटरपोल ने उसके सिर पर इनाम रखा हुआ है। पिछले कई सालों में हमारे देश में जितने भी राइड्स हुए, जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उन सब में उसका हाथ है। इंडियन एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट VTEDW 300 की हाईजैकिंग के पीछे भी उसी का दिमाग था, और हमारी खबर के मुताबिक आजकल वो महाराष्ट्र में है। दैट्स व्हाई वी हैव इनवाइटेड टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र, मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह। हमें वसीम खान को फौरन गिरफ्तार करना है, किसी भी कीमत पर। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, उसके पीछे हमारे देश के कई असरदार लोगों का हाथ है, वो उसके सरपरस्त बने हुए हैं, इसलिए कुछ मुश्किलें सामने आ सकती हैं, कुछ प्रेशर पड़ सकते हैं, बट लेट देयर बी नो हेजिटेशन एट ऑल। सर, अगर वसीम खान महाराष्ट्र में है तो समझिए हिज गेम इज ओवर, वो बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। दिस इज माई गारंटी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। वसीम भाई, पुलिस को यह पता चल चुका है कि आप महाराष्ट्र में, इसीलिए मैंने फौरन हिफाजत के साथ यहां से निकलने का बंदोबस्त कर लिया है। हरी अप, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कम ऑन। गफलत में पड़ गए ना, वो वासिम खान नहीं, अल्लाह बख्शे मेरा हमशक्ल डुप्लीकेट। वैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकना वासिम खान के बाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ की इस उंगली का खेल है। Come on, let's go. Come. Good luck. Thank you, Sanjay. All the best. You are under arrest. We'll be right back.
कंट्रोल रूम। Come on, guys, everything is ready? Yes, sir. कुछ ही देर में आपको स्पीड बोट के जरिए हिंदुस्तान के बाहर भेज दिया जाएगा। खास खबर। पूरी दुनिया की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके कुख्यात आतंकवादी वसीम खान को आज मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और ये सराहनीय काम किया है मुंबई के चर्चित और जाबाज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजशेखर आजाद ने। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए काफी दूर तक वसीम खान का पीछा किया और अंततः उसे गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने श्री आजाद की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि श्री आजाद जैसे अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस में हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्री आजाद को बधाई दी। धन्यवाद। अरे वाह, कमाल हो गया। अब तक स्कूल खुला है? बच्चों, तुम लोगों की मम्मी कहाँ है? A for angry, M for mom, J for jewelry, N for 9 o'clock, W for wedding. Oh God, मारा गया मैं तो। तुम्हारी मम्मी तो, अरे 12 बज गए, ज्वेलरी शॉप में मेरा वेट कर रही है। पापा, 12 तो अब बजेगी आपके चेहरे पर। सेठ जी, ये कौन है जो आप इनसे इतना डरते हैं? अरे मेरी क्या बिसात है, इनसे तो वो भी डरते हैं जिनसे पूरी मुंबई डरती है। अच्छा, मतलब ये किसी भाई की बीवी है? भाई की बीवी नहीं है, लेकिन उन भाइयों के बाप की बीवी है, डीसीपी राजशेखर आजाद। क्या बोल रहे हैं? डीसीपी साहब ने इनको टाइम दिया था, फिर भी अभी तक आए नहीं है। थोड़ी देर और नहीं आए ना तो हमारा और इस दुकान का क्या होगा? या तो ये जानती है या तो भगवान जानता है। नहीं, आ गए सर। सर, मन्ने और हमारी दुकान को बचा लीजिए, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। आपकी दुकान को कुछ नहीं होगा। मुस्ताद सिंह जी। सरकार, मुस्ताद सिंह जी, ये प्रेम सर को दिया। मुस्ताद सिंह की मुस्ताद को क्यों खतरे में डाल रहे हैं सरकार? देखो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। डर लग रहा है सरकार। डर तो मैं भी रहा हूँ ना, मेरी भी नौकरी का सवाल है। यस सर, मेम दिया है। अंजलि, अंजू डार्लिंग, आई एम सॉरी, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। ये भी कोई तरीका है 9 बजे का टाइम देना और 12 बजे आना? मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन सबके सामने पनिशमेंट होगी, मेरी इज्जत का सवाल है ना। घर चलते हैं फिर, तो मुझे जो भी सजा दोगी सब मंजूर है। घर चले अंजू डाले। सर, सर, हमारी दुकान गई, हमारी दुकान गई तो समझो हमारे तो जान गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इतना बड़ा ब्लास्टर? मैंने नहीं 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 नहीं, हॉस्पिटल है इसलिए मैं लेट हो गया। ओह माय गॉड, चलो चलो शॉपिंग करते हैं। अरे शॉपिंग गई भाड़ में, पहले मुझे ये बताइए ये कैसे हुआ, कब हुआ? वो सब कब गया भाड़ में, शॉपिंग करते हैं। अरे मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं खरीदना, चले घर चलते। हाँ घर जाइए ना, आपको जो भी चाहिए मैं आपके घर भिजवा दूंगा, बल्कि सारी दुकान के गहने घर भिजवा दूंगा, आप जाइए ना। आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे अभी शॉपिंग करनी है। मैंने कहा ना आपसे मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी, चले घर चलिए। गुस्सा तो नहीं करोगी ना? बिल्कुल नहीं, चलिए। उनको पकड़ते पकड़ते आ, 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 आ,
पकड़ते पकड़ते मेरा पैर फंस गया। खैर हम पुलिस वालों के हाथ पैर तो फंसते ही रहते हैं। लेकिन तुम्हें मैंने वहाँ कहाँ वहाँ ज्वेलरी शॉप में जो वेट कराया ना, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पापा आपके पैर में प्लास्टर क्यों लगा है? मेरे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ। ये वजह हुआ? चुप, दिखाई नहीं देता पापा के पैर में इतनी चोट लगी है? सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। चलो जी आहिस्ते आहिस्ते, ये बच्चे ना शर्म नहीं आती। आइए आराम से, हाँ बैठ जाइए। लेकिन मॉम पापा तो बस नो मोर क्वेश्चन, अब चलो जाओ सो जाओ, पापा को तंग मत करो। चलो कम ऑन, बहुत दर्द हो रहा है पापा को। चलो बेटा पहले अर्थ तो नहीं लगा। क्या हुआ क्या हुआ? एक कप चाय। हाँ अभी लेकर आती हूँ, पापा को तंग मत करना। हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम दोनों, तुम लोगों ने तो पुलिस वालों की तरह सवाल करना शुरू कर दिया। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी मम्मी है जो झट से मान जाती है। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ बोलना बुरी बात है। मालूम है, लेकिन ये कोई और बात है। और बात? हाँ ये बात मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकता ना। चलो तुम लोग जाके सो जाओ। अब बता दूँ? लो चलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैर तोड़वा के। थैंक गॉड आपने मुझे ठीक वक्त पर पकड़ लिया, वरना मेरा भी पैर आपके पैर की तरह। आज तक मैंने सबको सही वक्त पर ही तो पकड़ा है। That's why I'm a DCP. और फिर तुम्हें? चल। आपके पैर में दर्द नहीं हो रहा? पैर में? बात नवाबी हुआ तेरी क्या बात है? हाथ नवाबी बात नवाबी हुआ तेरी क्या बात है? हाय चुन्नू की मम्मी राजू की मामी हुआ तेरी क्या बात है? रही तो क्या करोगे
जाती हो पर तुम समझती हो कितनी महान हो तुम जाने जाना छोड़ 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 यूं सताओगे दिल का मान जाओगी ना जब तक देखो तो मौसम है कितना गुलाबी ठाट नवाबी बात नवाबी वाह तेरी क्या बात है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। विलेजर रहीम और उसके दोस्तों में बांट दे, कहना आज हमारे होटल में बहुत रौनक है, और कुछ चाहिए हो तो मंगवा ले। ठीक है भाई। कौन हो तुम लोग, काय को इसको परेशान कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से बाहर। बल्लू जरा देख क्या बात है। देखता हूँ। देख देख हिम्मत कैसे इस तरह। रहीम, मनोज, विवेक, भाईजान को कोई मार रहा है, जल्दी आओ, जल्दी चलो। अरे गुंडागर्दी करते हो? आजकल नौजवानों के पर्स में पैसे तो नहीं होते, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर या किसी फिल्म स्टार की तस्वीर जरूर होती है। अगर कोई अच्छे संस्कार वाला हो या अपने परिवार को चाहने वाला हो तो अपने माँ बाप की तस्वीर जरूर रखता है, लेकिन इसमें मेरी तस्वीर, बात कुछ समझ में नहीं आई। सर, सबकी लाइफ का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसके पास पंडित नेहरू या शास्त्री जी की तस्वीर होगी। अगर कोई समाज सेवा करना चाहता है तो उसके पास मदर टेरेसा की। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके पास भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम की। सर, हमारे आइडल, हमारे आदर्श आप हैं। हम भी आप जैसे पुलिस अफसर बनना चाहते हैं, इसलिए आपकी तस्वीर हमारे पास है। सिर्फ हमारे ही नहीं, इस देश का हर वो नौजवान जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है उसका आदर्श, उसके आइडल आप ही हैं। सर, सर हम इससे पहले आपसे कभी नहीं मिले, लेकिन हम आपको अपना सब कुछ मानते हैं। सर, सर आप इन सब लोगों के लिए उम्मीद की एक मशाल की तरह हैं। ये सब लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। ये है मेरा छोटा भाई रहीम, ये बलविंदर, ये विवेक, मनोज। सर इनका चेहरा देखिए, सर आपको देखकर कैसे चमक उठा है। सर ये सब मुझे मेरे भाइयों से बढ़कर हैं। जिंदगी में कुछ बनने, कुछ कर दिखाने और अपना अलग रास्ता बनाने वालों का मैं हमेशा साथ देता हूँ।
तुम सब अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। नमस्कार, हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए यह नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहां हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं, नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक जेले से एक पुलिस वाले ने तू तड़क से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया सो अलग। पेपर से पर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यू ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी, जवान खून गरमा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे भरे बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने चू तक नहीं किया, ये रुआब है हमारा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 MP न हो तो सूटकेस कहां से मिलेगा, और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहाँ की जनता हमें नोटिस करेगी, समझे? एक बात हम क्लियर कर दे, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा, हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पैंट वाला सिपाही भेजिएगा, महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा, कहीं उनका चिकना गालवाल देखकर समझ गए ना। मुझे परमिशन नहीं चाहिए। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है?
तू खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती है। गलती तेरी नहीं है, जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तू पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने, महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिकना साइन कर। ये तो कोरा कागज है। हाँ, इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें जलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किए हैं मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया, मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। माफ कर दो ना। आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताक सिंह। यस सर। मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूँ। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए, हंसिए, हंसिए। चलिए, आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली से पुलिस कमिश्नर, इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था कि अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। हंसी है। अरे वीर बहादुर जी, अरे धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। अरे प्रणाम प्रणाम, सब कुशल मंगल है ना? आप ही की तरह हम भी बिहार से महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का पांव जमाने के लिए आए हैं। कल से रैली या जुलूस शुरू, कमिश्नर के पास परमिशन लेने आए हैं। आप भी कुछ परमिशन के चक्कर में आए थे का? मिल गया? अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम दिला देते हैं। मिल गया। मिल गया ना? अब मिलेगा कैसे नहीं, हम लोग देश के इतना बड़ा नेता है, एगो मामूली कमिश्नर हम लोग को परमिशन नहीं देगा, क्या बात कर रहे हैं? देगा। देगा? देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। छठी का दूध? छठी का दूध तो क्या बुझ रहे हैं आप जयराम को? अरे ऐसन तैसन कितना कमिश्नर आया, कितना गए, जयराम उहे का उहे। ए, तो ठहरो, हम ऐसे गए ऐसे ही आते हैं। जाओ जाओ। जयराम नाम है ना तुम्हारा, आज तुम्हारी सचमुच की जयराम जी की हो जाएगी। कंधे पे हाथ रखिए जी, रख, हंसिए, हंस। चलिए, अब बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं, हम तो बस एक मामूली से पुलिस कमिश्नर जो आपकी सेवा के लिए है, कभी भी आपको छठी का दूध याद आ जाए तो आ जाइएगा। चलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है।
छट्टी का दूध याद आया? याद भी आया और बाहर भी आया। और आपका क्या हुआ महाराज? सर, हम सारे हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन वसीम खान से हमें कोई सुराग तो क्या, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। इसलिए सर, हम सबकी ये राय है कि इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। नो नो सॉरी, दुनिया की पुलिस जिसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, उस वसीम खान को किसने गिरफ्तार किया? महाराष्ट्र पुलिस के एक ऑफिसर ने, और ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब सिर्फ इसलिए कि हम उससे कुछ कबूल नहीं करवा सके, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंप दें। इससे हमारे डिपार्टमेंट की कितनी इंसल्ट होगी, कभी सोचा है आपने? नहीं, ये केस सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा, हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई काबिल ऑफिसर इस केस को हैंडल करेगा। तो फिर जिस ऑफिसर ने वसीम खान को गिरफ्तार करके इस डिपार्टमेंट का रुतबा बढ़ाया है, उसे ही ये केस क्यों नहीं दे दिया जाए? बिल्कुल सर, डीसीपी आजाद से बेहतर और कौन होगा? ये तो अच्छे अच्छों की जुबान खुलवा चुके हैं। मिस्टर आजाद, क्या कहना है आपका? सर, मैं ये केस लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? सर, हम जेल में क्रिमिनल्स को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुधरें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जितनी भी जेलें हैं सब उनका अड्डा बन चुकी हैं, जहाँ वो सेल्युलर फोन के जरिए अपना गुंडा राज चलाते हैं। और ऐसी किसी जेल में हम वसीम खान को रखकर पूछताछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे वसीम खान के लिए एक स्पेशल सेल चाहिए जहाँ सिर्फ मेरे सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। शिंदे, कैसे भी साहब आ रहे हैं। इज एवरीथिंग रेडी? ओके। आपने चाहा था सारा अरेंजमेंट वैसा ही किया है। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर आ जाए, आपकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता। ये देखिए सर, चारों तरफ क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए हैं, इनके जरिए सेल के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर रहेगी, खास तौर से वसीम खान पर। सर, आइए। यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता, सिर्फ तुम जा सकते हो पास। राइट सर। ये हथियार जो तुम लोगों के पास हैं, ये उसकी हिफाजत के लिए, तुम लोगों की वजह से उसे कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इज दैट राइट? पाठर। यस सर। वो बहुत शातिर है, वो तुम्हें कितना भी उकसाए, कितना भी गुस्सा दिलाए, अपने आप पर काबू रखना। जिस तरह तुमने गुस्से में आकर दादर वाले गुंडे के हाथ काट दिए थे ना, वैसी गलती मत करना। सर, आई विल बी केयरफुल दिस टाइम। Do you play this? You too. वेलकम डीसीपी राजशेखर आजाद, वेलकम। अच्छा इंतजाम किया है तुमने, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। अपनी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम। ये स्पेशल ऑफिसर्स, स्पेशल सेल, टाइट सिक्योरिटी, वेस्ट, टोटल वेस्ट।
तुम मुझसे कोई सुराग या कोई सबूत हासिल नहीं कर सकते, अभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम्हारी ताकत की हद सिर्फ इन सलाखों तक है, लेकिन मेरी ताकत की हद जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वहां तक है। है नहीं थी कल तक, अब तेरी हद इस जगह तक ही है, और तुझे बाकी की जिंदगी जो बहुत कम बची है यहीं गुजारनी है। डीसीपी आजाद, तुम एक मामूली से पुलिस ऑफिसर हो, पीएम या प्रेसिडेंट नहीं, कि तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मैन पावर है, मनी पावर है। मैं तो जब चाहूं यहां से बाहर जा सकता हूं। वसीम खान, ये तेरी खाला का घर नहीं है कि तू जब चाहे आए जब चाहे चला जाए। यहां से बाहर जाना तो दूर, मेरी मर्जी के बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। आई कैन, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं यही तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुल्क में बिकने वालों की, पैसों के लिए गद्दारी करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा तादाद है देश के लिए कुर्बान हो जाने वालों की। चाहे हमें एक वक्त की रोजी ना मिले, बदन पे कपड़े ना हो, सर पे छत ना हो, लेकिन जब देश की आन की बात आती है तब हम जान की बाजी लगा देते हैं, और ये बात हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, 65, 71 और कारगिल में भी। भूल गए? कुछ नहीं भूले हैं हम। तुम लोगों का दिया हुआ एक एक जख्म अभी तक हरा है, और इसलिए इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम लोगों के साथ सरहद पर नहीं लड़ेंगे हम, अब हम भीतर घुसकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। आए! आए! तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मेरी कस्टडी में है। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हाथ उखाड़ना भी। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। तू किस तरह समझना चाहता है फैसला कर ले। रहीम, इस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। रहीम, चल बाहर। समझ में नहीं आया यार, पता नहीं कहाँ और क्या प्रॉब्लम हो गई यार। हम लोग पुलिस में भर्ती नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं होंगे? हटो। लेकिन सर, 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 हमारा तो टेस्ट ठीक था सर। सर, चेस्ट हाइट सब कुछ परफेक्ट था। हाँ सर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इन सभी खेलों में हमारे नंबर सबसे ज्यादा थे सर। फिर भी लिस्ट में हमारा नाम नहीं है सर। सर, आप चेक कीजिए, कहीं कंप्यूटर में खराबी होगी। कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं यंग मैन, खराबी यहाँ के पूरे सिस्टम में है। ये जो तुम लिस्ट देख रहे हो ना, यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने अपने हाथों से बनाई है, और जाहिर है अपने हाथों से वो अपने आदमी का नाम लिखेंगे, किसी और का तो नहीं। मेरी सलाह मानो, यहाँ की नौकरी की तलाश में अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ काम धंधा करने की सोचो, जाओ। पर सर, सुनिए तो सर। आजाद, मैंने कहा था ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब देख मेरा मैसेज मेरे आदमियों तक कैसे पहुंचता है।
अच्छा देखो तुम लोग जल्दबाजी में वसीम खान के साथ कुछ मत करना, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। चलो ये उसके लिए सेल में खाना लेके गया था, अचानक उसने हमला कर दिया सर। घबराओ मत पाटिल, सब ठीक हो जाएगा। इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। दो घंटे में होश आ जाएगा। चेकअप, ओके। पढ़ो। आजाद डीसीपी राजशेखर आजाद, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक ही महीने के आसपास हुआ ना मुझे अरेस्ट किए हुए, हाँ। लेकिन ये जुलूस तो मैंने कुछ ही दिन पहले प्लान किया है भाई, कुछ ही दिन पहले। थोड़ी ही देर में मेरे लोग जुलूस में शामिल हो जाएंगे। फिर नारों की आवाजें चीखों में तब्दील हो जाएंगी। मैं तुम्हारे स्पेशल सेल में बैठे बैठे सैकड़ों लोगों का कत्ल करूंगा। बहुत जांबाज ऑफिसर हो ना तुम, उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। सर जोगेश्वरी में दंगे शुरू हो गए। लेट्स गो। कंट्रोल रूम में डीसीपी आजाद बोल रहा हूँ, फॉर एन एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जोगेश्वरी भेजो जल्दी से। ठीक है तो उन लोगों को वायरलेस पे इंस्ट्रक्शन दो कि ये दंगा प्लान्ड है, इसलिए कोई भी लाठी चार्ज ना करे पब्लिक के ऊपर, उन्हें कैसे भी शांत करने की कोशिश करें।
डीसीपी राजशेखर आजाद बोल रहा हूँ। वसीम खान को मारने से पहले ये नहीं जानना चाहोगे कि वसीम खान कौन है और उसने जेल में बैठे बैठे किस तरह किसकी मदद से पहले जुलूस फिर दंगा ऑर्गेनाइज करवाया? अगर जानना चाहते हो तो आज रात 11 बजे ससून डॉक्स के कंटेनर यार्ड में अकेले आकर मुझसे मिलो। ठीक है। आपने? हाँ मैंने कहा था। वसीम खान के बारे में आप? यस, वसीम खान सिर्फ एक टेररिस्ट ही नहीं, वो एक पावरफुल इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। उसे कस्टडी में तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं, उसे कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। तुमने जब से उसे गिरफ्तार किया है मेरी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुमने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। उसे बहुत दिनों तक कस्टडी में रखना डेंजरस होगा, इसलिए जल्द से जल्द उसे सेफली इंडिया से बाहर भेजना होगा। व्हाट? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं सर? सर, आप वसीम खान को अच्छी तरह से जानते हैं सर। आज जोगेश्वरी में जो दंगे फसाद हुए वो सब उसी ने किए और वो सब उसने मेरी कस्टडी में होते हुए किया सर। उसकी वजह से आज सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो? नहीं सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। इस देश के बाहर सिर्फ उसकी लाश जाएगी, सिर्फ उसकी लाश। देखो, दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, बिहेव लाइक ए पुलिस ऑफिसर। सर, तरक्की करनी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। तुम्हें दंगों के बारे में कब पता चला? आज सुबह। मुझे 2 दिन पहले से मालूम था। क्या आपको 2 दिन पहले पता था? इतना ही नहीं, वसीम खान पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में था और मेरी वजह से बचा रहा था। उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया लेकिन तुमने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वसीम खान तुम्हारी इस हरकत से बहुत नाराज है, बट डोंट वरी, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। देखो, मैं जानता हूं तुम अंजलि और बच्चों से बहुत प्यार करते, तुम नहीं समझोगे, ये बड़े ऊंचे दर्जे के पावर गेम है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। सेफ्टी के साथ वसीम खान को बाहर भिजवाने का बंदोबस्त कर दो। हाँ, अगर ऐसा करते हुए तुम्हारा जमीर तुम्हारे आड़े आता है तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर बीवी बच्चों के साथ बाहर चले जाओ, सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। गो अहेड। सुनो, तुम्हारी स्पेशल सेल में जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौत की खबर सुनकर तुम परेशान मत होना, क्योंकि वसीम खान के निकलने के लिए उनका मरना बहुत जरूरी है।
को डिस्पोज कर दो। कब से इंतजार कर रही हूं मैं, जल्दी अंदर चलिए। क्या देख रहे हैं, चलिए ना। बैठिए बैठिए, आपको कुछ बताना है। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट, सरप्राइज। ये लीजिए अपना फेवरेट डिश, चलिए मुंह मीठा कीजिए। जानते हैं क्यों? पेपर पढ़िए। पापा को स्टेट अवार्ड मिला है, आप तो जानते ही है ना कि मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी उनसे मिलने नहीं गई, फोन तक नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि आप उनके इकलौते दामाद हैं, और अगर हम लोग कल साथ में जाकर उन्हें बधाई दें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैंने तो स्पेशल हार का ऑर्डर भी दे दिया है। हम सब पुलिस अफसर बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे और डिप्रेशन में आकर हम क्राइम की तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन आपने हम सबको अपने साथ रखकर गुनहगार होने से बचा लिया। लेकिन हम सब कंफ्यूज है सर, हम आपको समझ नहीं पा रहे। सर, आप ही ने डीजीपी साहब को मारा और आप ही उनका क्रियाकर्म कर। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। हम आपका मतलब नहीं समझे सर। देश का बेटा हूँ इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी, दामाद हूँ इसलिए अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। सर, डीजीपी साहब सिर्फ वसीम खान से मिले हुए थे इसलिए आपने उन्हें मार डाला, फिर वसीम खान जिंदा क्यों है? उसे तो मैं कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन वो असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो वो लोग हैं जो इस देश के होकर भी इस देश की नींव खोद रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डीजीपी साहब ऐसा कर सकते हैं, और ना जाने ऐसे कितने और लोग होंगे। वसीम खान के जरिए ही मैं उन तक पहुंच सकता हूँ, इसलिए वसीम खान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है।
गुड मॉर्निंग डीसीपी राजशेखर आजाद साहब, जोगिंदर सिंह सीबीआई ऑफिसर। आइए। थैंक यू। डीसीपी साहब, आपको नहीं लगता कि सीबीआई वाले आजकल पुलिस वालों से ज्यादा बिजी हैं? पहले जब हवाला कांड होता था, बोफर्स कांड, चारा कांड होता था तो हमें बुलाया जाता था, लेकिन आजकल पूछिए मत। मैच फिक्सिंग, कैच फिक्सिंग, नहर नहीं बनी, गटर नहीं खुदा, छोटे से छोटा केस सीबीआई के हवाले। मैं तो सोच रहा हूँ होम मिनिस्ट्री को लिखूं कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में पुलिस चौकी को हटा के सीबीआई चौकी बना दी जाए। क्या ख्याल है आपका? अच्छा छोड़िए, मजाक करने की आदत है मेरी, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। जिनका कत्ल हुआ वो सिर्फ आपके फादर इन लॉ नहीं थे, डीजीपी भी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा ये बताइए, आपके फादर इन लॉ का कोई नजदीकी रिश्तेदार या कोई जिगरी दोस्त था? आप भी कमाल कर रहे हैं जोगिंदर सिंह जी, सारे ऑफिसर्स ये पूछते हैं कि जिसका खून हुआ उसका कोई दुश्मन था क्या, और आप दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहे हैं। यू आर राइट, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। वैसे भी डीसीपी साहब, घर हो या देश, गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा होता है। हमारे अलावा उनका और कोई नहीं था, दोस्त मैं ही था उनका। तो फिर कहीं ये खून आपने तो नहीं किया? मैंने कहा ना, मजाक करने की आदत है मेरी। खैर, जिसने भी ये खून किया है बहुत अकलमंदी के साथ किया है, और जाहिर है ऐसे आदमी तक पहुंचने के लिए उससे ज्यादा अक्ल की जरूरत है, और अक्ल कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार में बिकती हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगा, अब तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा जब तक कातिल का पता ना चल जाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिए आप रोइए मत प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके फादर के कातिल को मैं बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर है, जिसने मेरे पापा को मारा, अगर उसी ने मेरे पति को, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। I'll see you later. अंजलि, जो होना था सो हो गया, फिजूल की बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वसीम खान, अरे अरे जरा संभाल। हेलो सर, मैं इकबाल खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वसीम खान ने जैसे पाटिल को मारा था वैसे ही शिंदे को मारा है क्या? ठीक है, तुम उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। क्या हुआ? वसीम खान ने आज शिंदे को मारा। जब उसने पाटिल को मारा था उसके बाद जोगेश्वरी में दंगे शुरू हो गए, आज शिंदे को मारा है, कहीं वो। ऑफिसर्स Thank you.
हेलो सर। हेलो रहीम सर, तुम फौरन वाडिया हॉस्पिटल पहुंचो। शिंदे की जेब में एक पर्ची है, उसे कौन निकालता है, कहां लेकर जाता है, तुम उसका पीछा करो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन कर लेना। सर। और याद रखना, तुम्हारा पुलिस वालों के साथ कोई लेना देना नहीं। ओके यस सर।
नहीं बोलो क्या हुआ सर उन लोगों को शक हो गया मुझ पर वो लोग मेरा पीछा करे कहां हो तुम सर मैं परेल से दादर टीटी की तरफ भाग रहा हूँ तुम्हें और उनमें कितना फासला है तकरीबन 100 फीट वो लोग मुझे मारने लगे सर तुम फिक्र मत करो बस तुम सीधे भागते रहो मैं संभाल लूंगा ओके सर चित्रा थिएटर देखिए मैं डीसीपी आजाद बोल रहा हूँ डीसीपी आजाद हाँ आपके थिएटर में बॉम्ब है फौरन आप पूरी पब्लिक को वहां से बाहर निकालिए क्या थिएटर में बॉम्ब थिएटर में बॉम्ब है भागो भागो रहीम तुम ठीक हो ना हाँ सर लेकिन आपने क्या तरकीब निकाली सर वरना वो लोग मुझे जान से ही मार डालते थैंक यू सर कल सुबह की फ्लाइट से जामा मस्जिद के इमाम यहाँ आ रहे हैं वो लोग उन्हें एयरपोर्ट पे ही मारने की बात कर रहे थे सर इमाम को वो इमाम को क्यों मारना चाहते हैं रहीम उनमें से कोई भी दिखाई दे सर। तो मुझे इन्फॉर्म करना ओके कामले सर इमाम के पास कोई पैसेंजर नहीं जाएगा ओके सर। सुनो वीआईपी हो या वीवीआईपी हो जब तक उसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की जाएगी अंदर नहीं जाएगा ओके सर हाँ देशमुख सब तैयारी हो गई सर आपके कहने के मुताबिक सब कुछ हो गया गेट नंबर 1 पे तिवारी है गेट नंबर 2 संभाला है शानबाग और गेट नंबर 3 पर शर्मा चौकस है ठीक 7 बजे फ्लाइट टच डाउन होगी और 7:15 बजे इमाम गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे और जैसे आपने कहा था सर 150 स्पेशल कमांडोज का बंदोबस्त कर दिया 7 बजे सब एयरपोर्ट के बाहर असेंबल हो जाएंगे और जब तक इमाम दिल्ली की फ्लाइट पर शाम को नहीं बैठते वो सब हमारे साथ होंगे सर एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा एक इमाम के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी सर बिल क्लिंटन के वक्त भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रखी थी हमने देशमुख साहब इमाम साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता संघ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्हें कोई मारना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे हजारों लोग मारे जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता इसलिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी है अंडरस्टूड यस सर सो बी अलर्ट राइट सर फ्रांसिस साहब यहाँ तो जबरदस्त सिक्योरिटी है ऐसा लगता है डीसीपी आजाद को हमारे प्लान की जानकारी हो चुकी है इसलिए उसने यहाँ चुनिंदा ऑफिसर्स को तैनात किया है अब हमें इमाम को मारने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा टाइगर अगर हमारा प्लान कैंसिल हुआ तो वो लोग हमारी लाइफ ही कैंसिल कर देंगे तुम फिक्र मत करो इमाम की हत्या एक पुलिस अफसर के हाथ में होगी वो कैसे डीसीपी आजाद इमाम की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स जरूर बुलवाएगा तुम उन कमांडोज में एक कमांडो बनकर शामिल हो जाओगे
और काम को पूरा करने के बाद आराम से बाहर आ जाओगे। हमने इस देश से आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सांप हैं जो रह रहकर फन उठाते हैं। इसलिए मुझे और आप सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। हमारी एक छोटी सी गलती हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्या बात है भाई, इतनी सिक्योरिटी? अगली फ्लाइट से पीएम आने वाले हैं क्या? जनाब ये सिक्योरिटी आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, आपकी जान को खतरा है ना। खतरा? सवाल सिर्फ एक आदमी की जिंदगी का नहीं, कई बेकसूर लोगों की जाने जा सकती हैं। बाय द राइट अबाउट टर्न। Let's go inside. इतने कमांडोज के बीच में हमारे साहब ने उस टेरेस को कैसे पहचान लिया? मुस्तैद सिंह, डीसीपी आजाद की यही तो खासियत है। अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है? पीछे मुड़। करेक्ट, लेकिन डीसीपी साहब ने कमांडोज को पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जैसे मैं पीछे मुड़ के इंस्ट्रक्शन दूंगा बैठ जाना, और उस टेरेस को ये पता नहीं था। बेचारा पीछे मुड़ा और सीधा ऊपर चला गया। इमाम साहब, मुंबई में आपका स्वागत है। आपको यहाँ खरोच तक नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मुझे यकीन हो गया है, जब तक इस देश में तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं, राम और रहीम को लड़ाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आमीन। आइए। बहुत चलाक है तू, मेरे आदमी को मारा, उसके जेब में पर्ची डाली ताकि वो मैसेज तेरे आदमियों तक पहुंचे और वो इमाम को मार डाले। मुसलमान गुस्से में आके हिंदू पर अटैक करेगा और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा तूने सोचा वैसा नहीं हुआ, अब वो होगा जो मैं सोचूंगा। तूने कहा था ना कि कोई सुराग या सबूत नहीं मिलेगा, मुझे सबूत मिल गया है। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, इसको जरा साफ करना। वन मिनट।
ये तो वही है जिसको उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर शूट किया था, लेकिन उसके साथ कौन है? जरा जूम कर उस पर। शर्ट sure. भाई वो डीसीपी आजाद आ रहा है, जल्दी भाग जाइए। बता तुझे एयरपोर्ट किसने भेजा? शंकर सिंह कानिया। बढ़िया जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना, और देखिए इसकी खूबसूरती आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मूर्ति हटाओ या मंदिर, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए, अपनी दलाली के साथ इसकी कीमत हमें बता दे। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? For your knowledge, I am telling you, India के 10 top richest लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल्स, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह से उनकी पूजा करते हैं। सर लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं, और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहां कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है, और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब कतरा कौन है। पांडू? अरे नहीं नहीं, पांडू तो गाँव गया हुआ है, राजू ने काटी होगी। तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है, और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है, हवा है टायर में, पेट्रोल है। ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो, और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती।
अपनी जेब के लिए की जाती है, 20-50 जो भी मिल जाए, और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है, तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है, और समाज की हिफाजत के लिए हमें, जवान तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम, कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था, लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें यह सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है, ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें, और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लिख डालने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो, तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे टफोस? पापा का नाम लेने से पहले फ्रांसिस को गोली क्यों नहीं मार दी? सुबह होने से पहले मैं मारूंगा उसे, मेरे हाथों से मरेगा वो। संजय, नहीं नहीं पापा, उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे? अरे बेटे, छोटे लोग बड़े लोगों के नाम अक्सर लिया करते हैं। डोंट गेट अपसेट, सब कुछ समझ जाएगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को साथ लेकर फार्म हाउस चले जाओ। बट पापा। कम ऑन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। माधव। यस सर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, नई उम्र का खून है, बहुत जल्द उबल जाता है, संभालना उसे। ओके सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत, जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए, इसलिए उससे बचने का नहीं बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, आसपास की बस्तियों में ऐलान कर दो कि कल सुबह हम अनाज और कपड़े बांटने वाले हैं, और जैसे ही ये भीड़ जमा होकर हमारे घर के सामने आ जाए, अपने 40-50 लोग हथियार के साथ उनमें शामिल कर दो, और आजाद जैसे ही मुझे गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश करे उसे वहीं खत्म कर दो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, ऐसा लगना चाहिए जैसे गुस्से में आकर भीड़ ने उसे खत्म किया है। उसके बाद कानून बेबस, क्योंकि भीड़ की ना कोई सूरत होती है ना कोई नाम। ठीक से समझ गए ना तुम लोग? भीड़ में शरीफ बनकर खड़े रहना, अगर डीसीपी आजाद सिंघानिया साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो उस पर अटैक कर देना, समझ गए? साहब, डीसीपी साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उसे।
आओ आओ आजाद, नमस्कार। हमें मालूम था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आओगे ये मालूम नहीं। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आजाद, थोड़ा कॉपरेट करो, मेरा साथ दो, ऐश करो। तू कॉपरेट कर और मेरे साथ चल, तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तुम्हारे सीनियर्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। और शायद तुझे ये पता नहीं कि राजशेखर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर झुकाता है। देखो आजाद, इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शोभा देती हैं जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी। तुम तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दोस्ती कर लो मुझसे। शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करते। शंकर सिंघानिया का शिकार करोगे, अपनी मौत को बुलाओगे तुम। ए, चिल्ला मत, नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर। यस सर। शिकार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें जी से भी, रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाहने वाले लोग उसे नहीं छोड़ते। तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है, सोचो ये लोग तुम्हारा क्या हशर करेंगे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, चुपचाप ये हथकड़ी खोल दो, लोगों के सामने मुझसे माफी मांग लो, मैं इन्हें समझा बुझाकर शांत कर दूंगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे। चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे, ये हमारे अन्नदाता है। हमारी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद इन्हें ले जा सकते हो। देवता समान आदमी के हाथ में हथकड़ी लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम लाशें बिछा देंगे, समझे? देखो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कानून को अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। हाथ में बंदूक है तो तुरंत खा समझ रहे हो? हिम्मत है तो चला गोली। हाँ हाँ चला गोली, सिंघानिया साहब के लिए हम हंसते हंसते जान दे देंगे, चला गोली। अरे ऐसे गोली चला दी इन पे, मेरे पांच आदमी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जवाब मैं नहीं, ये लोग खुद देंगे। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया, तूने इन शरीफ लोगों की भीड़ में अपने 50 गुंडे खड़े कर दिए शरीफ बनाकर, मैंने 5 पुलिस के आदमियों को इसी भीड़ में खड़ा कर दिया गुंडा बना। इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा, समझे? चल। मिस्टर आजाद, आपकी वाइफ का प्रॉब्लम फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है, उन्हें अपने फादर के डेथ का बहुत गहरा शॉक लगा है, फिर भी मैंने कुछ दवाइयां दे दी हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड, मैं चलती हूँ। रहीम सर।
कल होशियार रहना। फ्रांसिस का कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी है। यस सर। गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण अर्जुन। बहुत जल्दी आप मेरा नाम भूल गए। बैठिए। राजशेखर आजाद है मेरा नाम। मैं जो भी कहता हूं उसका एक नहीं हजार मतलब होते हैं डीसीपी साहब, और ये बात आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे आप। अच्छा, लेकिन क्या बात है, आज आप इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। इसका भी एक मतलब है, मैं जब भी कोई केस सॉल्व कर लेता हूं तो ऐसे कपड़े पहनता हूं। इसका मतलब आपने डीजीपी साहब के कातिल का पता लगा लिया है? जी हाँ। ये नेक काम आप ही ने किया है। डीजीपी साहब ने आखिरी बार आपको फोन किया था, उनके मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का नंबर, उनके जिस्म से निकली गोलियों का आपके सर्विस रिवॉल्वर के साथ रिश्ता, इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे मैंने, थे। अब वो सारे सबूत मिटा दिए हैं मैंने हमेशा के लिए, क्योंकि आपने डीजीपी सूर्य प्रताप सिंह का खून नहीं किया, उनका वध किया, जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कौरवों का वध किया था। वहां अर्जुन ने जब सामने अपने लोगों को देखा और धनुष रख दिया तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में तो श्री कृष्ण भी आप हैं और अर्जुन भी, इसीलिए मैंने आपको श्री कृष्ण अर्जुन कहा था। उस कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में चारों तरफ कौरव हैं और बीच में हैं अकेले आप, फिर भी लड़ रहे हैं। इसलिए इस युद्ध में अगर मैं आपका साथ नहीं दे सकता तो जितना हो सके मदद तो कर ही सकता हूं। बेस्ट ऑफ लक। तुमने मेरे पापा को मारा? तुमने मेरे पापा को मारा है? तुमने मेरे पापा को मारा है? अंजलि, मेरी बात सुनो। सुनी तो रही थी मैं अब तक, यहां मैं रोज दिन रात तड़प रही थी ये जानने के लिए कि पापा का खून किसने किया, और तुम्हीने, तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कांपे उस आदमी को मारते हुए जिसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया। अंजलि सुनो तो, मैं Don't touch me. अंजलि देखो, छूना मत, मुझे इन हाथों से छूना मत, वरना मैं जान दे दूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। You're a bloody murderer. You're a murderer. नमस्कार। हाँ तो डीसीपी आजाद साहब, शंकर सिंघानिया जी आपको आतंकवादी लगते हैं? आपको गांधीवादी लगते हैं? देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता। क्या आप अदालत में ये साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंघानिया का किसी भी तरह का रिश्ता टेररिस्ट वसीम खान के साथ है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि शंकर सिंघानिया का हर तरह का रिश्ता वसीम खान के साथ है। अच्छा, इसके लिए कितने गवाह खरीदे आपने? गवाह खरीदने और बेचने का धंधा
आप जैसे कानून के दलाल करते हैं। जबान संभाल के जवाब दीजिए डीसीपी साहब। दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजिए वकील साहब। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वकील साहब, आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इनके गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा गवाह कुछ ही देर में अदालत में हाजिर होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। मनोज, रहीम, बल्लू, विवेक कहां गए? सर, मैंने उनको बहुत ढूंढा, वहां पर कोई नहीं है। क्या योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, इंतजार का कोई मतलब ही नहीं। डीसीपी आजाद कोई गवाह पेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। मिस्टर आजाद, आपको क्या कहना है? आई एम सॉरी योर ऑनर। अदालत शंकर सिंघानिया को बाइज्जत रिहा करती और पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न करती है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, गवाह ना हो, किसी भी शरीफ शहरी को अदालत में लाकर परेशान ना किया जाए। भाई बहुत अच्छे तरीके से। अरे मुबारक हो सिंघानिया साहब। पेशेंस। क्यों डीसीपी आजाद, बहुत गुस्सा आ रहा है? जो लोग जोश में आकर होश खो देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वसीम खान के साथ तुम मेरा रिश्ता साबित करना चाहते थे ना? सीना ठोक कर कह रहा हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर सकता। तुम्हारा गवाह अदालत नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया, और अगर वो पहुंच भी जाता तो क्या कर लेता? इस जज को मैं खरीद लेता। इस देश में सब कुछ बिकता है, बस सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। मुझसे दोस्ती करोगे तो उसकी पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और अगर दुश्मनी करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत लेनी है या चुकानी है, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। बिके हो तुम लोग, क्या कीमत लगाई है तुम लोगों ने मेरे भरोसे की? मैं बताता हूं सर, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ बच्चों को? वो शंकर सिंघानिया के बेटे ने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया है। कह रहा था कि उसका कोई आदमी तुम लोगों के पास कैद है, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो वो मेरे कर्तव्य और अनाथ को मार डालेंगे। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, प्लीज उस आदमी को छोड़ दीजिए, प्लीज। नहीं भाभी, हम उसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा। मनोज छोड़ो उसे। चलिए
आपके आदमी को लेकर आई हूँ। आपने मुझसे वादा किया था अगर मैं इसे लेकर आई तो आप मेरे बच्चों को छोड़ देंगे। आप तो मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। ए, छोड़ दो उन्हें। मेरे पापा के खिलाफ कब आए देगा तू? सर, आपके लिए फर्ज जरूरी हो सकता है, लेकिन इनके लिए फर्ज के साथ साथ आप जरूरी हैं, आपका परिवार जरूरी है। सर, आप ऐसा मत समझिए कि अगर एक गवाह अदालत नहीं पहुंचा आप जंग हार गए। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जो जंग आपने इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ शुरू की है, कसम परवरदिगार की, उस जंग के अंदर जीत आप ही की होगी सर। और जिस दिन सर आप जीत का सेहरा अपने सर पर बांध कर लौटेंगे, उस दिन सर आपको अपने बच्चों और बीवी की जरूरत का एहसास होगा, क्योंकि जब तक कामयाबी की खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो तो उस कामयाबी की खुशी का मकसद ही क्या है सर? इन लोगों ने आपके बच्चों की जान बचाई है, उसकी इन्हें बहुत खुशी है, लेकिन इस खुशी से ज्यादा गम और दुख इस बात का है कि आपको दिया हुआ वादा ये लोग निभा ना सके। इसलिए आज ये सब लोग इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मेरा नाम मत लीजिए और चले जाइए यहाँ से प्लीज। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे चैन से रहें, जिंदा रहें, तो दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे तलाक चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। भैया, आप भी हमेशा मेरी गलती निकालते हैं। ये जो रोज देर से घर पे आते हैं उसका कुछ नहीं, कभी इन्हें कुछ नहीं कहेंगे आप। ओहो भाई, ये पुलिस की नौकरी है, देर सवेर चलता रहता है। यू आर राइट मिस्टर आजाद, वैसे पुलिस वाले रोज देर से घर आए, ऐसा रूल है कोई? रूल है, ही इज राइट। अरे वहाँ क्या देख रहे हो, पता है भैया शादी से पहले जब मैं 5 बजे बुलाती थी तो ये 4 बजे आके खड़े हो जाते थे। कौन मैं? अरे छोड़ छोड़, मेरे हर ट्रेनिंग सेंटर पर ये पहुँच जाती थी और चारों तरफ चक्कर लगाती रहती थी। मैं चक्कर लगाती थी? तो मैं लगाता था, मैं लगाता था, मैं लगाती थी, मैं। Thank you.
अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं। हम जैसे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका रुतबा बढ़ता है, और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर गरीबों के लिए भारी पड़ता है, अमीरों के लिए नहीं। एनीवे एंजॉय द पार्टी। तो क्या आजाद को यूं ही छोड़ देंगे? आपको अरेस्ट किया था उसने, आपकी इंसल्ट की थी, इसीलिए उसे एक सबक सिखाना है, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे। और फिर शेर को जख्मी करके उसी की गुफा में चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो आजाद। बेवकूफ तो तुम हो, जो इतना भी नहीं जानते कि सांप के बिल में हाथ वही डालता है जो उसकी जहर का तोड़ जानता हो। तोड़ जोड़ का हिसाब तो मैं तुमसे करूंगा डीसीपी, तेरे शरीर की हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी आने वाली नस्ल तक इस दर्द को महसूस करेगी। मेरे शरीर को छोड़, तू अपने शरीर को आग देने वाले के बारे में सोच। क्या मतलब तुम्हारा? वो देख। पापा, पापा, पापा। बेटे तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, फिक्र मत करो बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ पागल हो गए तुम लोग? हटाओ बंदूक। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। पापा, बेटे, for God's sake, tell them to leave him. क्यों? सारी अकड़ निकल गई? छोड़ दो उसे। और सुन, तुझे भी मैं अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि तू एक देशद्रोही है, गद्दार है। और जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया, उस दिन मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, मार दूंगा। वो चारों लड़के कौन थे? किस थाने के थे? बताओ मुझे। सर वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो फिर बात दरअसल ये है सर कि पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर पर आजाद को भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उसने उन चारों लड़कों को अपने साथ रखा है, यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग भी खुद दे रहा है। बस कुछ ही दिनों में उन्हें पुलिस की वर्दी भी पहना देगा। साला फ्रांसिस को भी उसने इन्हीं चार लड़कों के कब्जे में रखा था। उस दिन फ्रांसिस के साथ साथ उन चारों लड़कों को भी मार देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। डीसीपी ने तुम लोगों के सर पर हाथ क्या रख दिया? अपने आप को डीसीपी समझने लग गए तुम लोग? मुझ पर रिवॉल्वर रखा तुम लोगों ने? बहुत जोश में थे ना उस दिन तुम लोग? बहुत गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में? अब मैं निकालता हूं तुम लोगों की घर में ही। अगर मैंने तेरे डीसीपी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी संजय। डीसीपी के चमचे। खत्म कर दो साले को। Oh!
रहीम, 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 ए रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा भाई, तू एकदम ठीक हो जाएगा। सर, I'm sorry सर। नाज तुम पे करे ये ज़मीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथी हम चले दे चले अपना जान ताकि जीता रहे हिंदुस्तान। डीसीपी आजाद, पहचाना मुझे? तुमने जंग का ऐलान किया, मैंने शुरुआत कर दी। सुना है तुम्हारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाने वाले हो, है ना? तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर बहुत जल्द ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एक का तो प्रमोशन हो गया, बाकी तीनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर होनी को कौन टाल सकता है, सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है। हम निशाना किसी और को बनाते हैं, पर मरता कोई और है। अच्छा होना बुरा होना सब शंकर के हाथ में। जय भोलेनाथ। सर मैंने आपको फोन किया था। आप कौन हैं? जी मैं दीपक शर्मा, मैं इस कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ सर। चलिए चलिए सर। मिस्टर दीपक जी, इससे पहले भी आपको टेररिस्ट से कोई धमकी आई है? नहीं डीसीपी साहब, धमकी तो कभी नहीं आई, पर अभी भी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहाँ से भागते देखा है, टेररिस्ट हो सकता है। आप उसे पहचान सकते हैं? यस सर, उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का कैप पहना है। दीपक? यस सर। यही है? हाँ सर यही है। आइए आइए सर, आइए सर। What a lovely pair, huh? God bless them. Chitter up. Chitter up. आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा? अब तक आ जाना चाहिए था। आजाद, क्या बात है? सर अब जरा अंदर चलिए। क्या हुआ? सर, वो लड़का जो अंदर भागकर गया ना, वो एक टेररिस्ट है। उसने अपनी जैकेट के अंदर बम्स छुपा के रखे हुए। What? Yes, sir. मैं बम स्क्वाड को वालेस करवा देता हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। Are you sure? Yes, sir. Carry on. Yeah.
संजय, संजय, संजय बेटे, अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संजय, संजय बेटे, सर इस केस को कैसे डील किया जाए? हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। क्रॉस फायरिंग का नोट लगाकर केस को रफा दफा करो। सर वो टेररिस्ट तो भाग गया, अब किसी बात का खतरा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन डाल सकता है? ये सब तकदीर का खेल है। मौत तो अपना रास्ता नहीं बदलती, जो उसके रास्ते में आता है जाता है, और फिर हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं, मर कोई और जाता है। अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में है शंकर सिंघानिया, ऊपर वाले के हाथ में नहीं। और फिर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि कानून की कमजोरियों का भी फायदा उठाना जानता है, समझ के ना। यार प्रताप तुमने तो कमाल कर दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। सर के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं, आज मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। इंजीनियर बनना चाहता था मैं, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। एक दिन फर्स्ट स्टेशन में आके मैंने चोरी की और पकड़ा गया। उस दिन अगर मुझे जेल हो गई होती तो मैं भी शातिर क्रिमिनल होता। लेकिन सर ने मुझे समझा, बहुत स्नेह दिया, बहुत मदद की मेरी, और आज मैं एक एमटेक इंजीनियर हूं। आजाद सर मेरे लिए भगवान की तरह है। थैंक्स प्रताप, आज तुमने एक मुजरिम को मारने में मेरी मदद की। शंकर सिंघानिया के बेटे को जो कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी वही सजा उसे आज मैंने दी। प्रताप अपना ख्याल रखना। अंकल सब ओके है ना? हाँ भाई माहौल ठीक है ना? क्या बात है? प्रताप कहाँ है? क्या चाहिए आपको? तुम कौन हो? मैं इंजीनियर प्रताप सिन्हा का पिता हूँ। तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं है, टेररिस्ट है। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। मैं टेररिस्ट है। इंजीनियर बनता है? टेररिस्ट बोर्ड किसके लिए काम करता है? बोर्ड किसके लिए काम करता है? तो इसको छोड़ दीजिए, मेरे बेटे टेररिस्ट नहीं है, ये तो इंजीनियर है। आपको जरूर कोई गलत पता, शहर में कहां कहां ब्लास्ट करने की प्लानिंग है तुम्हारी पता? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं जिसके लिए तू काम करता है, मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। आजाद, शायद तुमने इसे ठीक से पहचाना नहीं। ये वही टेररिस्ट है जो उस दिन अपने जिस्म पर बम बांध कर शादी में आया था और तुम इसका पीछा कर रहे थे। नहीं याद आया? याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है,
ये उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। इस आदमी का इस्तेमाल करके तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला, बहुत तड़पाया मुझे, रुला दिया मुझे। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, रुलाऊंगा तुम्हें। सिर्फ तुम ही क्या, इसके माँ बाप, इसके मंगेतर सबको रुलाऊंगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे इन सबको। उस दिन शादी में तुमने यह साबित कर दिया था कि यह आदमी टेररिस्ट है, अब यह कबूल करेगा कि तुम इसके दोस्त हो। सिर्फ एक ही चीज तुम दोनों को बचा सकती है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और सलाखों के पीछे चले जाओ। एक बार तुम अंदर चले गए तो वसीम खान को बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून की कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छी तरह जानते हो ना तुम, अब उठाओ फायदा, इस्तेमाल करो अपना दिमाग, ले चलो इसे। मुझे माफ कर दीजिएगा मम्मी, अंजलि, अंजलि, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं दिया, ना सुख ना खुशी, कुछ भी नहीं। तुम ठीक सोचती हो, शायद मुझसे अलग रहकर तुम खुश रह सको, तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ सके। इसलिए मैंने उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। रानी, बच्चों को लेकर ऊपर जाना। चलो बच्चों। ये सब क्या है अंजलि, ये सब क्या है, बोलो अंजलि, ये सब क्या है? तलाक, मैंने तलाक ले लिया है मामा, मैंने ही मांगा था। आपको पता है किसी आदमी ने मेरे पापा का खून किया है, आपकी मां का सिंदूर मिटाने वाला, गले का मंगलसूत्र तोड़ने वाला यही आदमी है। मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, और आज के बाद उसके नाम का मंगलसूत्र भी कभी नहीं पहनूंगी, कभी नहीं। चुप, 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 कर क्या रही है तू, तू पागल? क्या कहा तूने, क्या कहा? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इतना बड़ा फैसला किया तूने, अपने गले का मंगलसूत्र तोड़ने चली है तू? अपने पापा के लिए? बहुत प्यार करती है अपने पापा से, उनकी मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है तुझे, लेकिन तू नहीं जानती तेरे पापा क्या होते। जानना चाहती है तू उनकी असलियत? मिस्टर सिंह, मुझे लगता है कि वसीम खान को छुड़ाना नामुमकिन है। आपका दामाद डीसीपी आजाद किसी की बात नहीं सुनेगा। यू डोंट वरी मिस्टर सिंघानिया, मैं उसका फादर इन लॉ तो हूं ही, कानून के हिसाब से भी मैं उसका बाप हूं। ही इज मेयरली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और मैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप लोग वसीम खान के बंदोबस्त की तैयारी कीजिए। ब्रिलियंट।
फिर ये रहे आपके हाफ मिलियन डॉलर्स। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। पैसे के लिए आज इस हद तक उतर आए हैं आप? हमारे दामाद ने अपनी जान जोखिम में डाल के वसीम खान को पकड़ा और आपने उसे छोड़ देने के लिए इन लोगों से पैसे लिए? आजाद आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। तू अच्छी तरह से जानती है सूर्य प्रताप सिंह अपने बनाए रास्तों पर चलता है और जो भी उसके रास्ते में अड़चन बना मौत के सामने ढेर हो गया। अगर मेरा दामाद मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा तो उसका अंजाम भी मौत होगा। पैसे के लिए तो तेरे पापा कुछ भी कर सकते थे, बेटी का सुहाग भी उनके लिए कुछ नहीं था। लेकिन देख देख बेटी, तू अपने पति को देख, तेरी खुशी के खातिर उसने तलाकनामे पर साइन कर दिया है, एक बार भी ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी। अंजलि, तेरे पापा के खून करने के जुर्म में आजाद को अगर फांसी की भी सजा हो जाती है ना, तो वहां पर भी वो कुछ पल के लिए तड़पेगा। लेकिन बेटी, तूने उसे ऐसी सजा दी है कि वो तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए जिंदगी भर तड़पता रहेगा। अंजलि, तूने बहुत बड़ी गलती की है अंजलि, बहुत। बेटा, तुम्हें तो मालूम है मेरा प्रताप आतंकवादी नहीं है, मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है, तुम्हें तो पता है। फिर भी उसे पुलिस वालों ने इतना पीटा, बहुत मारा मेरे बेटे को, बहुत मारा। बेटा, मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की मगर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, हम क्या करें? भाई साहब, आप ही ने कहा था ना कि प्रताप बहुत होनहार लड़का है। आपकी बात मान के, आप पे भरोसा करके मैंने अपनी बहन की शादी उससे तय कर दी और आपने हमें धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया आपने ऐसा, मैं पूछता हूं क्यों? प्रताप, टॉर्चर किया सर, लेकिन मैंने अपनी सुबह नहीं खोली सर। आप चिंता ना करें सर, मैं आपका नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं सर। नहीं प्रताप, तुम्हें जीना है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और इस देश को आपकी जरूरत है सर। नहीं प्रताप, अब बहुत हो गया, मैं अपनी जिद के लिए तुम्हारी जान नहीं ले सकता। मैं सब कुछ सच बता दूंगा, तुम भी बता देना कि किस तरह से मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। असली मुजरिम मैं हूं, फिर सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता सर, तो आपके हाथों में हथकड़ी कैसे बर्दाश्त करूंगा? अगर मेरी जान को दांव पर लगाकर आपके दुश्मन आपसे बदला लेना चाहते हैं तो ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं आपको हारने नहीं दूंगा सर,
आपको जीतना होगा, आपको जीतना होगा सर, आपको जीतना होगा सर। दोस्तों सराइयो हम चले चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जी हम मरे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों साथियों। उस लड़के ने खुदकुशी करके मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मैंने सोचा था कि उसे ढाल बनाकर आजाद को नौकरी से निकलवाऊंगा, उसके बाद वसीम खान को जेल से छुड़वाऊंगा, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अब आजाद घायल शेर की तरह मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, वसीम खान के साथ साथ मुझे भी ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर ये कैसे होगा सर? शंकर सिंघानिया की जिद तुमने देखी नहीं है। मजबूर कर दूंगा सरकार को, पुलिस खुद वसीम खान को लेकर मेरे घर पर आएगी। बस, और कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। ठीक एक घंटे के अंदर वसीम खान को रिहा करो और हम दोनों का देश से बाहर जाने का इंतजाम करो। अगर तुम्हारी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो ठीक 5 बजे मुंबई शहर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगा। हो जाइए प्लीज, सिट डाउन, बैठिए। सर जब 100 पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए हम 3 टेररिस्ट छोड़ सकते हैं, तो क्या हजारों सिटीजन्स की जान बचाने के लिए हम 1 टेररिस्ट नहीं छोड़ सकते? सर प्लीज। ओके, रिलीज हिम। राइट सर। किसी को अंदर आने मत देना, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। ओके। क्यों आजाद, अब तो पता चल गया ना तुम्हारे अपने लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। अब देखो ना, आज तुम खुद मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। मान गए ना वसीम खान की ताकत को? गौर से सुनो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद। अब तू गौर से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता है तू अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि शंकर सिंघानिया तुझ जैसो का एजेंट है, और आज उसने तेरी रिहाई के लिए सरकार को धमकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देशद्रोही है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। Oh!
देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। सॉरी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। आजाद, ये क्या किया तुमने? इसे मार डाला? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इसे पूछताछ करने के लिए कहा गया था। किसने ऑर्डर दिया तुम्हें इसे मारने के लिए? किसने परमिशन दी तुम्हें? तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। नहीं! मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। जब कोई मां की इज्जत लूट रहा हो तब बेटा बाप से परमिशन लेगा? नहीं, उस हैवान को वही मां डालेगा। और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए मां और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मां डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है। और यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। आजाद, हम तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं, लेकिन शंकर सिंघानिया ने धमकी दी है कि अगर 5 बजे तक वसीम खान को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो शहर में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देगा, और BST की किसी एक बस में उसने बॉम्ब रख भी दिया है। मिस्टर मार्गरेट, वक्त अभी हमारे पास है। विल डू समथिंग। आजाद, हम तुम्हारे साथ हैं। लेट्स गो। हेलो सिंघानिया साहब, मैं माउथ बोल रहा हूं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारा सारा प्लान चौपट हो गया है। आजाद ने वसीम खान का कत्ल कर दिया है, और उसे इस बात का भी पता चल गया है कि हम ही ने BST की किसी बस में बम रखवाया। बता किस बस में बम छुपा कर रखा है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जिस आदमी ने बस में बम लगाया है वो होटल वैली में रूम नंबर 302 में रुका हुआ है। Go and arrest him. Okay, sir. आजाद, एक काम करते हैं, BST की किसी बस में बम है ये अनाउंस करवा देते हैं और सारी बसों को रुकवा देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। अगर पब्लिक को पता चल गया कि बस के अंदर बम है तो पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन किस बस में बम है ये जानने के लिए बस को रोकना जरूरी है। आखिर हम बस को रोकेंगे कैसे? मैं रोकूंगा। बस वालों ने अचानक स्ट्राइक क्यों कर दी? अरे, एक पुलिस वाले ने बिना बात के एक ड्राइवर को मार दिया, इसलिए। हमारे यूनियन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर, उसने ये तो बता दिया है कि बस में बम उसी ने रखा है, लेकिन उसका नंबर नहीं बता पा रहा है। पर हाँ, इतना जरूर बताया कि बस अंधेरी डिपो में खड़ी थी। 5 बजे का टाइम सेट करके रखा है तुमने, और तुझे ये नहीं मालूम कि कौन सी बस थी वो?
पेंट, इसका मतलब है जिस किसी बस में बॉम्ब रखा है ताजा ताजा पेंट हुई है। हेलो, अंधेरी बस डिपो से टाइम कीपर बोल रहा हूँ सर। तुम लोगों ने कल रात किसी बस को पेंट किया था क्या? यस सर। उस बस का नंबर क्या है? 84 लिमिटेड MH02T96। तो वो बस इस वक्त आपके डेपो में होगी ना? नहीं सर, वो तो कब की निकल चुकी है। क्या क्या आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त वो बस कहाँ होगी? सर ये बस अंधेरी से मंत्रालय तक जाती है, 9 बजे विले पार्ले, 9:30 सांता क्रूज, 11 बजे वर्ली और 12 बजे मंत्रालय पहुँचती है। लेकिन अभी अभी BST वालों का स्ट्राइक हो गया तो वो बस वर्ली के आसपास होना चाहिए सर। कीप द बॉम्ब स्क्वाड रेडी। तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर हो। तुमने यूं पता लगा लिया कि किस बस में बम छुपा हुआ है, मगर तुम्हें एक खामी है, इंसानों को पहचानने की खामी। मेरे लोगों को तुमने अपने बॉम्ब स्क्वाड के लोग समझा। मेरी बात मानकर अगर वसीम खान को तुमने रिहा कर दिया होता तो यह शहर भी बच जाता, तुम भी बच जाते और लोग भी बच जाते। मगर अब तीर कमान से निकल चुका है, अब तुम अपनी आंखों से देखोगे इस शहर को मैं कैसे शमशान बनाता हूं। ले जाओ इसे। Thank you.
वतन वालों वतन ना बेच देना ये धरती ये गगन ना बेच देना शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते शहीदों के कफन ना बेच देना दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान हम जी हम मरे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों